हेलो अंकल, तुम जकार्ता में 5 दिन पहले ड्यूटी, कहाँ रहते थे? जी वो दरअसल सिंगापुर में एक दोस्त मिल गया था। इंसान तुम्हारी तरह दुनिया में अकेला हो तो दोस्त ही उसकी कमजोरी बन जाते। I'm sorry अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। चलो माफ कीजिए। फैसल, तुम मेरे मरहूम दोस्त की निशानी और नाज अपनों के उठाए जाते हैं गैरों के लिए। कम अंकल, डैडी ने अपनी जिंदगी में जिक्र तो किया था कि मेरे दादा जान की यहाँ कुछ प्रॉपर्टी है, लेकिन आपका खत मिलने से पहले मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझे मिल भी सकती है। ये जायदाद तुम्हारे बाप की जिंदगी ही में मिल जाती। मैंने पुराने रिकॉर्ड देखे, सबूत निकाले, केस दायर किया, लेकिन तुम्हारे बाप ने कभी इधर तवज्जो ही नहीं दी। शायद उसे मेरी वकालत पर भरोसा नहीं था। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। डैडी तो आपके कानूनदानी का एतराज करते हुए आपको एशियाई जहानत का सिंबल कहा करते थे। इस केस को परसों ना करने की वजह शायद ये भी हो सकती है कि इस किस्म के दीवानी मुकदमात को लड़ने के लिए एक कंतक स्टेमिना चाहिए, जो कि डैडी में नहीं था। हाँ, वो तो आप भी जानते हैं। आज तो आराम कर लो, कल मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी दिखाने ले जाऊंगा। हाँ, मेरी शफकत से फायदा उठाकर लोकेलिटी के इन बच्चों ने मेरे लॉन को खेल का मैदान बना लिया है। छुट्टी के दिन आ जाते हैं, कानून की गुत्थियां सुलझाने से जब फुर्सत मिलती है तो यही मेरा दिल बहलाते हैं। अब ये देखो, हद नजर तक फैले ये बागात भी तुम्हारे हैं। ये देखो, ये रबड़ है। अंकल, प्रॉपर्टी तो बहुत है, कब्जा लेने में क्या
ज्यादा वक्त लग जाएगा। कानूनी कार्रवाई के लिए 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। मेरी आपको कितने दिन के लिए जरूरत होगी? कल कोर्ट में पेशी के लिए 1 दिन और फिर आखिर में 2-1 दिन। तो फिर क्यों ना मैं कल की पेशी के बाद यहाँ सुकड़ कर बैठने के बजाय फैल कर इंडोनेशिया देख लूं। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी गाड़ी का इंतजाम किए देता हूँ। My name is Tom and I'm your guide. Please pay me 50,000 rupiah. I see. No, thank you. Okay, 40,000. No. Oh, come on, 30,000. Look, me... I don't need a guide. Oh, 20,000. Le lo, yahan ke liye sasta hai. Nahi, uncle, pata nahi kaun pagal aadmi hai. Pagal nahi, sir. Kam ka aadmi hai. तुम उर्दू जानते हो? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, गुड। वेल, यू डोंट वांट गाइड, ओके, गिव मी मनी, टिप सर, नॉट फॉर दिस, फॉर दिस। ओके, ओके। गिव मी 1। थैंक यू। आदमी दिलचस्प है, साथ ले लेते तो अच्छा था। नहीं अंकल, गाइड साथ हो तो हर चीज उसकी आंख से देखनी पड़ती है और मैं इंडोनेशिया अपनी आंख से देखना चाहता हूँ। फैसल, मैं तुम्हारा बाप तो नहीं हूँ लेकिन गॉड फादर जरूर हूँ, इसलिए तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। इंडोनेशिया देखना चाहते हो जरूर देखो, लेकिन इस सरजमीन का चप्पा चप्पा हसीन और तुम कदम कदम जवान हो। दिलकशी के जिस मकाम से गुजरो, दिल की नजर से देखा तो रुकने पर मजबूर हो जाओगे, और अगर उस हुस्न को कैमरे की आंख से समेटा तो जल्द लौट आओगे। I hereby promise to come as soon as possible, my lord.
दुकान शीघ्र संभव। पता दूंगा बाबा फिलम तू गपुल अभी तुम बहुत कमजोर है। हेलो हेलो मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह ओ हम बे मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है एकदम ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। ओ पानी पियो बुखार में बहुत अलग सूखता इधर बहुत उरसता था और बहुत उरस का नाव डूबता और लाश का पता नहीं चलता। तुम वेरी लकी तुमको हमारा लड़की मिल गया और वो तुमको इधर ले आया और हम भी जल्दी से इधर आ गया नहीं तो तुम पानी पानी करते रहता और वो तुमको तो देखता रहता उर्दू भाषा नहीं जानता। हम इधर 40 बरस से गायब है थोड़ा थोड़ा सब भाषा जानता सब भाषा। पापा तू लॉन्ग तानी अकान पढ़ाया माँ मकान हमारा लड़की बोलता तुम खाना खाएगा हो खाओ खाओ नो चार्जिंग नो पैसा जब भूख लगेगी खा लो। ओह चा लेते रहो आराम करो ये बेटा बाबा बहु मकान ये पक
इस भोरकदंदा में फंस गया तू रोज। यूं ही जरा उलझ गया था, सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इसमें बहुत होशियारी चाहिए, इसमें उलझता फिर नहीं सुलझता, धागा का टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ता। आया बीता निमारी अमास की कहानी यंगर टाइम बाबू आती का सेव। हाँ एकन भाई उन धूप का फ्यातन आया सिगरा पर गामनचारी एकन यंग अस्थि में वा। हाँ आपकी बेटी ने कुछ मेरे लिए कहा है? वो बोला हम तुरस्त का वास्ते हम कसल मछली बनाएगा, और तुम बीमार हो गया ना, तुम्हारा सारा कपड़ा ढीला ढीला हो गया ना, तुमको खिलाए पिलाएगा, मोथा करेगा मोथा, तुम अपना भूख चमकाओ, हम अभी मछली घेर के लाता पकड़ के लाता पकड़ के। खादा नहीं है आचा नहीं है। बहुत अच्छा है, इसके कांटे बहुत इसमें है। खादा खादा कांटा ये कांटा। जब मछली पानी के अंदर होता तो आदमी उसके मुंह में कांटा लगाता, और जब मछली पानी के बाहर आता तो मछली आदमी के हलक में कांटा लगाता। वक्त वक्त की बात है, टाइम टाइम की बात है। खाओ 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 खाओ। पापा दिया तो दी कुकू डींगन मिसाकिन बीता। तुम कांटा की बात करता, हमारा लड़की बोलता तुमको उसके हाथ का तुमको खाना पसंद नहीं। नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अजीब बात है, हम दोनों एक दूसरे की बात सुन तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये कुछ मेरी जबान सीख लें और मैं कुछ उनकी भाषा सीख लेते। मऊ मंगाजर मऊ भाषा उर्दू मऊ। कान कुकू तुम पढ़ोगी? पढ़ोगी लागो। इनसे तो मैं तुम्हें नहीं पा सकता, छोड़ो इन किताबों। हम वो जबान अपनाएं जो एक अजनबी को एक अजनबी के करीब लाती है। मैं बताता हूँ तुम्हें इसे क्या कहते हैं। ये क्या कहते हैं? हाँ तुम लोग इसे क्या कहते हो? ये माता 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 आंख आंख। हम इसे आंख कहते हैं, आंख आंख आंख। ये क्या? ये क्या कहते हैं? पीपी पीपी पीपी। गाल 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 गाल। गुड। ये क्या है? ये क्या? टोंक टोंक टोंक। नाक 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 नाक। ये क्या है? क्या कहते हैं? तालीना तालीना तालीना। कान 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 कान। अच्छा दिल को दिल को तुम लोग दिल को क्या कहते हो? दिल 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 दिल। वो जो धुक 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 कर दिल 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 हाँ दिल दिल। हाथी 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 नहीं दिल 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 धुक धुक हाथी। ओ हाथी हाथी। दिल 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 दिल। आँख आँख। काल काल काल। नाक नाक। कान कान कान। बस इतना काफी है। ऐसे नहीं ऐसे कहते हैं, बाकी कल पढ़ो। अच्छा सुनो, कल आज जो सबक याद किया है कल भूल तो नहीं जाओगी? भूल जाओगी।
अच्छा अच्छा
अच्छी लागो रे, लागो नहीं लागे रे। अरे बाबा हम भी भूल गया। क्यों रही हो? नहीं तो रो क्यों रही हो? टूरिस्ट और मौसम आता है चला जाता है, उसके लिए रोना क्या? मैं नहीं जाऊंगा। आशाओं का झील है, लोग कहते हैं यहाँ जो मांगे वो मिलता है। तुम चाहो मैं अभी आते हूँ। झील तू सच्ची है, तू आशा पूरी करती है। ये टूरिस्ट मेरा साइंग, मेरा प्यार है, इसे मेरा जीवन साथी बना दो, जीवन साथी बना दो, जीवन साथी बना दो। कुछ नहीं मांगोगे टूरिस्ट? तुमने क्या मांगा? बस मांग लिए। मुझे नहीं बताओगी? नहीं बताओगी? अच्छा ठीक है। ए जी, जुविता ने जो कुछ मांगा है उसे मत देना। टूरिस्ट तुमने मुझे फतवा क्यों दी? जुविता छोड़ तो मुझे, इधर देखो तो सही। ओके अगर याद आऊं तो भुला देना, जा रहा
कदम। हेलो हेलो सायं, हेलो 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 सायं को हेलो हेलो लिख दिया दिल पे प्यार का वादा, लिख दिया दिल पे प्यार का वादा, प्यार के कलम से तेरे बगैर जी ना सकेंगे मर जाएंगे कसम से। हेलो हेलो सायं, हेलो 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 सायं तू हेलो हेलो। क्या शर्म, हेलो हेलो सायं, हेलो 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 सायं को हेलो हेलो। पलकों की छाँव में इन सपनों के गाँव में आँखों में डूब जाऊँ, सपनों के गाँव में आँखों में डूब डूब जाऊँ, बाहों में प्यार की ऐसे खो जाऊँ मैं, दुनिया को मिल नहीं पाऊँ, प्यार नहीं होगा अब कभी कम। हेलो हेलो सायं, हेलो 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 सायं, हेलो हेलो। इधर बहुत लोग आता बहुत लोग जाता, कौन क्या है इधर से आया ये हमको पूछने का आदत नहीं। हम तुमसे भी नहीं पूछा तुम कौन है इधर से आया, हम समझा तुम भी इंसान है अच्छा आदमी है। बेटे के दिल से हमको निकाला और खुद बैठ गया, अब ऐसे जाता जैसे यहां तुम्हारा किसी से कोई नाता नहीं, तुम यहां किसी का पता पूछने आया। जानस की चाहता हूं कि आपकी बातों से लगा है कि मैंने आपके एतमाद को धोखा दिया है। तुम हमारा जवेता से शादी करेगा?
बेटा हमारा बेटी से शादी करेगा। तो फिर ले जाओ एक गायब का पूंजी, लेकिन याद रखो हम समंदर का गोद में पला, हमने बहुत पानी देखा लेकिन अपनी बेटी की आंख में चलता हुआ दो बूंद पानी हम नहीं देख सकेगा, नहीं देख सकेगा। आपके लिए क्या कर सकती हूँ? देखिए इस वक्त हम ना जमीन पर है ना आसमान में, ऐसे मौकों पर आप क्या क्या कर सकती हैं? जहाज में जो मुमकिन है। जहाज में कुछ पीने के लिए है? कोक, सेवन अप, बच्चे पीते हैं। कॉफी? इंटेलेक्चुअल्स की कमजोरी है। चाय? ओहो देखिए जहाज में चाय पीते हुए यूं लगता है जैसे आदमी पैसेंजर ट्रेन का मुसाफिर हो। तो फिर आप क्या पीना चाहते हैं? क्या पीना चाहते हैं? आप ऐसा करें फिलहाल एक ग्लास दूध पिला दीजिए। ओके ओके थैंक यू। अरे भाई सलमा देना दूध का एक ग्लास। दूध किसके लिए? जहाज में तो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। है एक बालिक बच्चा। हेलो शमा मुझे कॉफी की एक प्याली मिल सकती है? सर आपने क्यों जहमत की है, मुझसे कहा होता मैं कॉकपिट में ले आती, आप चलिए मैं लाती हूँ। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। अब आपको क्या चाहिए? आप जी अपनी बात तो सुनिए पूरी। आपके पास हॉरोस्कोप होगा? जंत्री? जंत्री? यस जंत्री, क्योंकि अभी भी मेरे दिमाग में यह ख्याल आया है कि मैं कुछ सितारों के बारे में मालूम करूं, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि इस हफ्ते मेरी किस्मत में क्या है। सॉरी सर जहाज में जंत्री नहीं है, सितारों का हाल तो आप सिंगापुर ही में जान सकेंगे। मुझे फैसल कहते हैं। वेरी ओल्ड टेक्निक जी। अब आप मेरा नाम पूछेंगे? करेक्ट। उसके बाद कहीं चल के चाय पीने को कहेंगे? वेरी नेचुरल। और उसके बाद छोटी छोटी बातें होंगी, ये जो इंसान और इंसान के दरमियान छोटी छोटी खलीजें हायल हैं, उन्हें पार करने के लिए ये छोटी छोटी बातें पुलों का काम देती हैं। मिस्टर फैसल कुछ पुलों पे चेक पोस्ट भी होते हैं,
उन्हें पार करना इतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं। अगर बुरा ना माने तो एक कॉपी मुझे भी दीजिएगा। आई विल पे फॉर दैट। ओके। ओहो, ये क्या कर दिया? एक खूबसूरत लम्हा जाया कर दिया आपने। बेहतर यही है कि इसे यही दफन कर दे। आपसे डरती है? जी नहीं, आपसे। मुझसे या मेरी चाहत से? चाहत एक नजर का खेल नहीं। तो इसके लिए क्या 150 बरस चाहिए? देखिए मिस, ये पुराने जमाने की बातें हैं, जब लोग कबूतरों के जरिए खत भेजा करते थे। आजकल तो इधर नंबर मिलाइए और दूसरे लम्हे अपने घर बात कर लीजिए। और मैं, खैर, मेरा तो कोई है नहीं इस दुनिया की भीड़ में, बिल्कुल अकेला हूं मैं। ये बहुत पुराना तरीका है किसी के दिल में हमदर्दी जगाने का। नो मिस, इट्स अ ट्रू फैक्ट, ये हकीकत है। मुझे इस हकीकत का यकीन दिलाकर आखिर आप चाहते क्या है? आपको अपनी बीवी बनाना। पूछिए क्यों? इसकी वजह आपकी मुस्कुराहट है। मोनालिसा हमेशा से मेरी कमजोरी रही है, और मेरी बीवी के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट रहे, ये मेरा सपना है। मेरी जिस मुस्कुराहट को आप घर की चार दीवारी में कैद करना चाहते हैं, वो जहाज की परवाज तक महदूद है। उसे चेहरे पर लाने के लिए हमें तनख्वाह मिलती है। तुझको मैं दे सकूंगा,
फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा।
हाय श्यामा। हाय फराज। क्या बात है? पहले भी 2-3 बार नॉक कर चुका हूँ। जवाब नहीं मिला होगा, मैं रूम में नहीं थी। क्षमा, जब से हम यहाँ मैं देख रहा हूँ तुम क्रू को अवॉइड करके घूम रही हो। फराज, तुम लोग तो यहाँ पहले भी आ चुके हो, मैं ये देखने निकल जाती हूँ कि किस बात पे कहा गया था कि जीवन में एक बार आना सिंगापुर। सिंगापुर एक भूल भुलैया है, कहीं खो ना जाना। छोटी सी तो जगह है, आदमी खो जाए तो मिल भी जाता है। शमा, जिंदगी में बहुत इंकलाब और इत्तफाकात के रास्ते आए। कैसे? ये इत्तफाक ही तो है कि मैं जिस फ्लाइट से सिंगापुर आया हूँ वो तो यहाँ 5 रोज रुकती है, और अगर तुम यहाँ ना रुकती तो ना मुझे तुमसे मिलने का मौका मिलता, वरना यूं हम साथ साथ जाए होते। एक दो दिन बाद तुम पाकिस्तान चली जाओगी और मुझे जकार्ता जाना होगा। अरे हाँ, तुमने तो बताया था वहाँ तुम्हें बहुत बड़ी जायदाद मिलने वाली है। अरे वो तो मिल ही जाएगी यार, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ। अभी तुम जकार्ता जाओ, मैं पाकिस्तान जाती हूँ। क्यों? अभी तुम मेरी बीवी तो हो नहीं, अगर अगली फ्लाइट पर कोई और उल्लू का पट्टा फैसल तुम्हारे पीछे पड़ गया तो मैं क्या करूँगा? किसी और क्षमा की तलाश कर लेना। फजूल बातें छोड़ो यार, चलो चलकर कहीं शादी कर ले। फैसल, इतनी तेज न चलो कि मैं संभाल न सकूं। आखिर तुम्हारे जहाज भी तो बहुत तेज चलते हैं, उनमें भी तो तवाज़ुन कायम रखती हूँ। रखती हूँ क्या? नहीं, ये जिंदगी का फैसला है, मुझे कुछ सोचने नहीं दोगे? कुछ सोचा तुमने? एक बार और फिसलो। अच्छा जी, सर ये नहीं है, देखो ना हमारे पास वक्त थोड़ा है और काम बहुत ज्यादा है, और फिर ये कौम का कोई संगीन मसला तो है नहीं जिसे हल करने में हम इतना वक्त लगा दें। शादी की इतनी से तो बात है। तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है। तुम्हें शादी की जल्दी है, लेकिन तुमने मेरा घर नहीं देखा। लोग घर देखकर लड़की पसंद करते हैं, मैंने लड़की देखकर घर पसंद कर लिया, बात तो एक ही। तुम हर बात को लाइटली लेते हो, ये नहीं जानते मुझे जिस मुस्कुराहट की तनख्वाह मिलती है वो तुम्हारी हो गई तो कितनी आंखें रो पड़ेंगी। क्या मतलब? मेरी एक छोटी बहन है जिसे मैं अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ, एक अपाहिज माँ जिसकी व्हीलचेयर को आगे पुश ना करो तो सांसों के रास्ते पर उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। देखो शमा, इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है, तुम मिली तो मुझे जिंदगी के कुछ अजीज तरीन रिश्ते मिल जाएंगे, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या? जब कोई फजाई कंपनी किसी लड़की को अपना लिबास देती है तो उसे सर्विस के दौरान शादी ना करने का एग्रीमेंट भी करती है। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा महकमा शादी को जुर्म तो नहीं समझता ना? जुर्म ना सही, इजाजत भी तो नहीं। मैं शादी कर रही हूँ, ये बात निकली तो ऊपर तक पहुँच जाएगी और बहुत हंगामा होगा। देखो, जब जन्नत में आदम ने दाना गंदम खाया था ना तो हंगामा तब भी हुआ था। ये इंसान की पुरानी रिवायत है और आगे बढ़ने का रास्ता भी, समझी? चलाओ मेरे साथ, चलो। क्या करने लगे? शादी के बाद भी यही सवालात किए तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलो। एक्सक्यूज मी, कैन यू पॉसिबली शो सम टाइपराइटर्स प्लीज? यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। Can I have a piece of paper? मैं पूछती हूँ ये सब क्या हो रहा है। एक मिनट,
थैंक यू। दैट्स इट। This one is fine. Beautiful. I'll come later on, okay? Thanks a lot. Thank you so much. Bye-bye. Come on. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. ये रहा आपका इस्तीफा। इस पर दस्तखत करके पाकिस्तान पहुंचते ही अपने ऑफिस में जमा करा दीजिए। जी जी। और अब चलिए खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर एक दूसरे को अपना शरीक जिंदगी बनाते हैं। जी जी। वो रही सुल्तान मस्जिद। शिद्दती जज्बात में गलती से फ्लोर नंबर 9 पर उतर गया। तुम लिफ्ट का बटन तो दबा सकती थी। अब लाइन में जानबूझ के नहीं दबाया। क्यों? अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें मैं ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि अब भी तुम इसी फुर्ती में रहोगे तो मैं कहीं पहुंच जाऊंगी और तुम कहीं और निकल जाओगे। सॉरी मैडम, मैं आइंदा से आपके अजम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करूंगा। आइए चलिए। तुमने यही चाल अपना ली तो लोग मुझे शौहर समझेंगे और तुम्हें मेरी बीवी। मिसेस पैसन, कौन बीवी है और कौन शौहर इसका पता तो कौन आ गया? कमिंग कमिंग। यस एक्सक्यूज मी सर, वुमन गेस्ट्स आर नॉट अलाउड इन द रूम। लुक, शी इज नॉट माय गेस्ट, शी इज माय वाइफ। ओके। नाउ व्हाट? कंग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू। दर्जे And no more knocks, please.
तुझसे है ये जिंदगानी, तुझसे है जीवन कहानी, तुझसे है साझा सवेरा। कसम तुझसे है वादा ये मेरा, ऐसे रही नैनारंगिया जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे।
जहाजों का इंतजार करना छोड़ दे। पैराशूट से हमारी छत पर कोई नहीं उतरेगा। कोई आने में देर कर दे तो उसे मायूस नहीं होना चाहिए माँ। तेरा काम से जाने का वक्त हो गया। उसके पीछे लग के एक नौकरी तो गई, अब उसके ख्याल में रह के दूसरी से भी हाथ धोना चाहती है। आप फिक्र न करें, इस घर में फाके नहीं आएंगे। जानती हूँ जानती हूँ, तुझे मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। तुझ पर बोझ बन गए हैं। किस्मत अच्छी होती तो ना तेरा बाप मरता और ना तू चुपचाप शादी करके बच्चे की माँ बनती। झूठ बोल बोल कर लोगों की जुबानें बंद करना पड़ती है। किसी को ये भी नहीं बता सकते कि इस बच्चे का बाप कौन है। वो पास नहीं, उनकी निशानी तो मेरे पास है। तू निशानी देख देख के खुश है और वो नाज कर रहा होगा कि तुझे नादान को किस खूबसूरती से धोखा दिया। नहीं माँ, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो एक दिन जरूर आएंगे। जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो जकार्ता में मौजूद नहीं है। आम ख्याल यही है कि वो किसी हादसे का शिकार हो गया। फराज, तुम ऐसी बातें इसलिए करते हो कि मैं अपनी गलती का इकरार कर लूं, उसे भूल जाऊं, फिर से शादी का सोचने लगूं। ऐसा नहीं होगा। मुझसे कोई उम्मीद वाबस्ता करके इस घर में मत आया करो। मेरा दिल कहता है वो जिंदा है। ये तू कैसे कह सकती है कि वो सिर्फ तेरे लिए जिंदा है? अचानक आकर चले जाने वालों के लिए शादी तो महज एक चाल होती है। हो सकता है वो कहीं और किसी दूसरी लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। कैसे
कहना सारी उम्र तुम ऐसे एक दूजे खो जाते हैं नदिया सागर जैसे बिछड़ेंगे हम कैसे मामू के नाते तुम्हें इस घर में आने से कौन रोक सकता है, लेकिन ना जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम मुझे ये एहसास दिलाने आते हो कि मैंने तुम्हें नजरअंदाज करके कितने दुख उठाए। क्षमा, मैं इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। तुम्हारी शादी से जलस जरूर हूं, लेकिन तुम्हारा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। इस जलसी और दोस्ती के किनारे किनारे कहां तक चलोगे? शादी क्यों नहीं कर लेते? अक्सर हम लोग यही मशवरा देती। बारह, मैं इस वक्त तुम्हें यह बताने आया था कि मैं पायलट्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जकार्ता जा रहा हूं। कहो, वापसी पर तुम्हारे लिए क्या लाऊं? कहीं मिल जाए तो फैसल से बस इतना कह देना कि तुम्हारी बेटी ने पापा कहना सीख लिया है और वो तुम्हें बहुत याद करता है। साईं कूट, तुम आ गए? अरे, मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना दो। बस ठीक है, आ रही, कहीं जुकाम ना हो जाए। जुकाम नहीं, तुमको किसी ने याद किया है? मुझे मुझे कौन याद करेगा? तुम्हारा कोई नहीं है? है। कौन? तुम। इंसान।
अरे तुम्हारा बदन तो गर्म है। चलो मैं तुम्हारे लिए डाउन आइसम का पत्ता लाते हूँ। इब्राहिम कौन? वकील मैं किसी को नहीं जानता। hey, तो आप है मेरे चाचा। Will you leave us alone, officer? Yeah. Sir, I brought him here. Oh, yes. My money. You will get your money. Thank you. मैं पूछता हूँ, तुम मुझे पहले मेरी सुनो, बाद में अपनी कुछ कहना। पहले मेरी सुनो तो फिर सुनाओ। मैं कानून की किताबों का कीड़ा हूँ। तुम कौन सा ऐसा जुर्म कर बैठे हो जिसकी वजह से इतने दिन रूपोश रहे और अब अपनी असलियत छुपाकर मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो? कोई ऐसा जुर्म बता दो जिसके करने से तुम्हें तुम्हारी वकालत के पैसे वसूल हो सके। देखो मिस्टर लॉयर, मैं वो नहीं हूँ जिसके शुबे में तुम मुझे उठाकर यहाँ लाए। मैं बाली में रहता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती रोके रहे तो मेरी बीवी रो रो कर जान दे देगी और उसकी तमाम का जिम्मेदारी तुम पर होगी। फॉर गॉड्स सेक लेट मी गो, मैं वो नहीं हूँ। बाली की किसी हसीना को मेरी बहू बनाने का ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझसे नाता तोड़ लो बेटा। बेटा बेटा कहकर मेरे सर पर अदालत के हथौड़े मत बरसाओ। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तुम्हारे पास पाकिस्तान की शरीयत नहीं है? नहीं है। तुम शौकत अली के बेटे नहीं हो? कभी तुम मुझे अपना बेटा बनाते हो, कभी शौकत अली का बेटा बनाते हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम लाख छुपो, कुछ भी कहो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम शौकत अली के बेटे हो? मैं शौकत अली का बेटा नहीं हूँ। तुम शौकत अली के बेटे हो? मैं नहीं हूँ। हो नहीं, तुम शौकत अली के बेटे हो? मैं शौकत अली का बेटा नहीं हूँ। Is he alive, doctor? Of course. My money, sir. Yes, doctor. मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया, but I'm sorry to say this. आपका भतीजा अपनी याददाश्त खो चुका है। I hereby promise to come as soon as possible, my lord. मैं शौकत अली का बेटा नहीं हूँ। जितना रुपया मांग सकते हो मांगो डॉक्टर, जरूरी समझते हो तो जिस मुल्क के जिस डॉक्टर से मशवरा करना चाहते हो उसे मेरे खर्चे पर यहाँ बुला लो, लेकिन मुझे जमानत दो कि तुम्हारे मरीज की यादें लौट आएंगी। ऐसे मरीजों के लिए खास ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर के पास नहीं है। पुरानी बातें याद दिलाने के लिए अगर ऐसे लोगों के जहन पर दबाव डाला जाए तो केस बिगड़ जाता है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं आपको समझा दूंगा।
आप फिलहाल इसकी बीवी को फौरन यहां ले आए। हमारा बेटी के साथ उसने जो रिश्ता जोड़ा, तुम उसका कीमत देने आया है? नहीं, बेटे की सोई हुई यादों को जगाने के लिए बहू को लेने आया हूं। तुम उसके लिए अनजान थी, अब वो सिर्फ तुम्हें जानता है। तुमसे पहले उसे जिंदगी के रास्ते में जो भी मिला वो उसे भूल चुका है। मुझे सब याद है। गुंडों से मुझे अगवा कराना, पुलिस स्टेशन पर उस बुड्ढे का मुझे बहकाने के लिए बेटा कहना, मेरे होश उड़ाने के लिए मुझे इंजेक्शन देना, मैं भूला नहीं, मुझे सब कुछ याद है। वो बुड्ढा छापा मार मुझे किसी सेठ का बेटा बनाकर उसे पैसे बटोरना चाहता है, और तुम अपने सफेद लिबासों में उसके काले धंधे को छुपाना चाहती हो। लेकिन याद रखो, आई एम नॉट फॉर सेल। डांडा मुर्गी चापा चापा कर रही हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी मनीला की कड़वी, हट जाओ। मैं किसी लॉयर के बाप का नौकर नहीं हूँ। यू बांस की चटनी हटती है क्यों नहीं बदल। रेस्ट इन पीस। ओके, रेस्ट इन पीस। नाउ आई एम गोइंग टू कट यू इन पीसेस। डू यू अंडरस्टैंड? तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा तबीयत अचानक खराब हो गया तो ये मुझे यहाँ ले आया। मैं पूछता हूँ, मेरी बीवी के दिल में हमदर्दी जगा कर तुम हमें किस भाव बेचना चाहते हो? तुम इन्हें जो समझते हो ये वो नहीं है। ये भी मुझे जो समझता है मैं वो नहीं हूं। आओ मेरे साथ। सुनो तो, ये बेचारा मजबूर है। तुम साइन का एक बेटा था, पाकिस्तान से यहां आया, इंडोनेशिया देखने निकला, लौट कर नहीं आया। मैंने उसके लिए इश्तिहारात दिए, तस्वीरें छपवाई, और जब लोग तुम्हें यहां लाए तो धोखा आंखों ने ही नहीं खाया, एतबार दिल ने भी कर लिया कि तुम ही मेरे फैसल हो। अब तुम चले गए तो मैं बेटे का इंतजार आंखों में लिए जिंदगी के रास्तों पर अकेला रह जाऊंगा। कुछ दिन रुक जो साइंग। मैं जब इसका बेटा ही नहीं हूं तो मेरे रुकने या ना रुकने से इसको क्या फर्क पड़ेगा? प्यासा जिंदगी के सहरा में भटक जाए तो शराब को भी पानी समझ के जी लेता है। तुम्हें देखकर दिल को तसल्ली दे लूंगा कि मरने से पहले तुम्हें बेटा और इसे बहू कह लिया। इनका गला लग जो फैसल, अपना दिल टूटे ठीक है, इंसान का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं। Thank you.
डॉक्टर का मशवरा है फैसल को उन मकामात पर घुमाया जाए जहां याददाश्त खोने से पहले उसका गुजर हुआ। हमें यकीन तो नहीं, एक धुंधली सी उम्मीद है कि शायद कोई मंजर, कोई जगह, कोई मकाम ऐसा हो जिसे देखकर उसे वो सब कुछ याद आ जाए जो वक्त ने उसे भुला दिया है। मेरी बात वो सुनेगा नहीं, तुम शहर देखने के बहाने चलने को कहोगी, तुम्हारी बात वो टालेगा नहीं। ये सोचकर रो रही हो कि अपने शौहर के जहन से अपनी ही तस्वीर मिटाने जा रही हो। घड़ी सख्त और बीवी के लिए बहुत आजमाइश का लम्हा है, उसकी यादें लौटने दो, मैं उसे बताऊंगा उसने तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें अपनाया और तुम ही उसकी बीवी हो।
दोनों में फासला बहुत था, यह भी नहीं जानता कि वो रहता कहां है, किस हाल में है। देखना है तो चली आओ, तुम्हारा शौहर जिंदा है और जकार्ता में रहता है। रवीत, तेरे पापा की खबर मिल गई है, मैं तुझे उनके पास लेकर जाऊंगी। किसने दी है ये खबर? फराज का खत आया है मां। क्या लिखा है? उम्मीद की किरण दिखाई है, पता नहीं लिखा। इतना लिखा है कि वो जकार्ता में है। ये नहीं लिखा कि वो तुझे भूल चुका है। हम ऐसे क्यों सोचे माँ? इतने दिन जिसने तेरी खबर न ली और ना दुलस का खत लिखा। खत हो सकता उन्होंने लिखे हो, जो घर बदलने से हमें न मिल सके, पता ना होने से मैं जवाब न दे सके, और मुमकिन है मेरी बेवफाई का गिला लिए वो बैठे हो। मेरी रुचि तकदीर मन जाए, ये दुआ करो माँ। चाहे मुझे पलकों से जकार्ता की खाक छानी पड़े, मैं अपने शौहर के पास जरूर जाऊंगा। From Pakistan. Welcome, sister. Thank you. I want to stay here for a few days. Can you guide me to a place not too expensive? Are you alone? Yes, sister. Since
you are alone, I will give the address of Madam Amina Chandrakasi's guest house. It is not expensive and a respectable place to stay. Thank you. Oh, honey. तुम्हारा कहानी में बहुत आंसू है. हम तुम्हारे शौहर का मिलने का दुआ कर सकता है. But I can't help you. तुम अपना घर से इतना दूर आ गया और तुम्हारे पास में तुम्हारे हस्बैंड का एड्रेस भी नहीं है. जिस घड़ी पता चला है कि वो यहाँ है, दिल किसी के समझाने में नहीं आया, तड़पा के यहाँ ले आया. मेरे पास उनकी एक तस्वीर है, शायद वही उनसे मिलने का जरिया बन सके. इसकी रिटर्न में हमको क्या मिलेगा? क्या चाहते हैं आप? 10 मिलियन? नो, बहुत ज्यादा है. तुम्हारा मर्जी. सुनिए तो, सुनिए तो, मेरे पास सिर्फ इतने हैं. थोड़ा है, इससे ज्यादा नहीं दे सकती. तुम्हारे हस्बैंड का एड्रेस ओनली हमको पता है, सोच रहा हूं. अच्छा, तो फिर ये चुड़िया ले लो. असली गोली. ओके, हम तुमको एड्रेस लिख के देता है. नहीं, मुझे उनके पास ले चलो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी. हाँ नवीद बेटा, Allah.
गया। You reported for the missing child? Yes. Come with me. Emergency. This way, madam. चोट तो नहीं आई? कितना प्यारा बच्चा है। आजकल के माँ बाप बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर इन्हें पैदा क्यों करते हैं? फैमिली प्लानिंग के जमाने में बच्चे माँ बाप की मर्जी से नहीं ऊपर वाले की मर्जी से आते हैं। यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आता। जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते हम इसे अपने घर ले चलते हैं। ठीक है। नो नो, बिछड़े हुए बच्चों को माँ बाप से मिलाना पुलिस का काम है। बहू को घर छोड़कर हम इसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। चलो। ठीक है। हाँ बच्चा। नो, यहाँ किसी बेबी का रिपोर्ट नहीं है। हम दूसरा पुलिस स्टेशन कॉन्टैक्ट करेंगे। इसका फादर और मदर का मालूम होता है, हमें उसको उसका हवाला कर देगा। ये ठीक ही कहते हैं अंकल, बच्चे को यहीं छोड़ जाते हैं। हाँ और चारा भी क्या। ठीक है इंस्पेक्टर। अबे बे, ऑफिसर, फरिश्तों को छूने का अंदाज शैतानों को छूने से मुख्तलिफ होना चाहिए। शैतान को टच करने से हाथ सख्त हो गया। सख्त, यू नो, हमारा वाइफ को भी हमसे यही शिकायत है। ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। इस बच्चे को हम अपने घर ले जाएं और इसके माँ बाप को ढूंढकर आप इस पते पर भेज दें। ओके। आप इसे खा ले आए? इसका माँ बाप नहीं मिला? माँ तो नहीं मिली, बाप मिल गया है। अरे भाई, ये पापा पापा कहकर मेरे गले ऐसे पड़ा जैसे ये मेरी ही गलती हो। चलो बेटा, अपनी मुंह बोली माँ के पास जाओ। तुम तो इतना अच्छे हो, क्यों नहीं ना मेरे बच्चे के लिए कुछ टॉयस ले आइए। पराई चीज में अपनापन तलाश मत करो। पराया चीज कैसे? इसने तुमको पापा बोला, इस नाते से मैं भी तो इसकी माँ। और जो इसकी अपनी माँ आ गई तो?
तो तुमको उसकी नजरों से छुपा के बच्चा उसकी गोद में दे दूंगी। कर दिखा दीजिए ना, अगर वो मेरा ना हुआ तो मुझसे उठना मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी लाती हूँ। इंडोनेशिया है? पाकिस्तानी है। मेरा स्वामी भी पाकिस्तानी है, उसका नाम फैसल है। Thank you.
सकूंगा। क्या हुआ फैसल बेटे? मैं जिसे पहचान ना पाया और मुझे छोड़कर चली गई, वो मेरी बीवी थी, कल उसकी गोद में मेरा बच्चा था, मैंने उसे पहचान दिया, वो मेरी बीवी थी, वो मेरी बीवी थी। फैसल, वो तू मैडम मीना चंद अक्कासी, गेस्ट हाउस, शी लिव्स देयर। थैंक यू। शमा, तुम दूसरा मैरिज किया, अब क्या मुंह लेकर उसके पीछे आया? वो थोड़ा देर पहले पाकिस्तान के लिए एयरपोर्ट चला गया। टूटा है कि वो चले गए, वो नहीं गए, फ्लाइट मिस कर दिया। कैसे पता चला? अंकल तुम्हारा पीछे एयरपोर्ट गया,
तुम तो नहीं मिला तुम्हारा बीवी अकल उससे मिले थे। शराफत का तकाजा यही था कि तकदीर ने जिनकी मंजिल को रास्ता रास्ता करके बखेर दिया उन्हें समेट कर घर ले आऊं। वो जहां ठहरी है उनके जरिए मिलने का पैगाम भेजा तो तुम्हारी शमा ने एक नहीं पे बात खत्म कर दी और इस घर में आके जलने से इनकार कर दिया। शमा से मिलना है। सॉरी शी इज नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। निकल जाओ यहां से। शमा कभी मैं सामने आऊं तो पहचानने से इनकार कर देते हो, कभी रास्ते की हर रुकावट दूर करते हुए अंदर घुसे चले आते हो। अब मैं तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं बनूंगी। चले जाओ यहां से। मेरा बेटा कहां है? कौन बेटा? किसका बेटा? जो मेरे आंसुओं में शरीक है वो मेरा है, तुमसे उसका कोई नाता नहीं। शमा मुझे कुछ कहने दोगी या नहीं? इसके अलावा और क्या कहोगे? मुझसे एक अच्छी मिली तो हर बात भूल कर उससे एक और शादी कर ली। क्या मजबूरी थी? मैं बेवफा थी? तुम्हारे म्यार पे पूरी नहीं उतरी थी या तुम्हारी फितरत हार जाई थी? शमा मर गई वो शमा जो इतबार करने में दीवानगी के हदों से गुजर गई और तुम्हें कदम कदम पे हर बात का होश रहा। तुम तो मेरी मुस्कुराहट पे बनते थे, तुमने मुझे आंसू आंसू करके बिता दिया। मोहब्बत तो मैं आज भी तुम्हारी मुस्कुराहट से करता हूँ शमा। ये और बात है कि तकदीर ने जो आंसू तुम्हें दिए हैं वो भी मेरे ही नाम लिखे गए। मेरी नाव एक हादसे का शिकार हो गई थी, बहुत करीब थी जिंदगी की तरफ वो ले गई जैसे देखकर तुमने मुझे हर जाई बन का ताना दिया है। वो ये एहसान ना करती शमा तो आज तुम्हारे शिकवे सुनने के लिए फैसल जिंदा ना होता, मर चुका होता। हाँ, जिंदगी बचाने की कीमत चुकाने के लिए तुमने दूसरी शादी कर ली। नहीं शमा, न जिंदगी की कीमत चुकाने के लिए और न किसी जिस्म को अपनाने के लिए। वो शादी एक सपने में हुई थी, ना उनके हादसे की चोटें तो मिट गई लेकिन मेरी याददाश्त जाती रही। मुझे कुछ याद नहीं रहा, जो करीब आए मैं उन्हें पहचानता चला गया और मैं जिनसे दूर हुआ वो जहन की धुन में गुम होते चले गए। आज वो सपना टूटा है, आज ही मेरी यादें लौटी हैं तो मैंने किसी से नहीं छुपाया। मैंने सबको बता दिया कि शमा मेरी बीवी है, उसकी गोद में मेरा बच्चा है। ये सब कुछ जान लेने के बाद सिर्फ एक औरत बनकर नहीं मेरी बीवी बनकर फैसला करना शमा, और मुझे बताना कि तुम अपने शौहर की बाहों में लौटोगे या उसे छोड़कर चली जाओगी। बोलो शमा, बोलो शमा, बोलो शमा, जवाब दो, जवाब दो शमा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बोलो शमा।
अगली आंखों में आंसू लिए जिसका घर छोड़ाई है, मैं उसे शौहर की मोहब्बत बांटने आई हूँ। आप बोलते क्यों नहीं? चुभिता कहाँ है? वो अंदर है, वो इधर आया, हमारा सीने से लग के बहुत रोया। वो बोला तुरंत बीवी बच्चे वाला है बाबा, बीवी बच्चे वाला। उसने हमको सपनों में प्यार किया, उसने जो कुछ दिया वो सपनों में दिया। सपना टूटने के बाद वो जो कुछ देगा वो भीख होगा। हम भिखारी बनकर कैसे जिएगा बाबा, कैसे जिएगा? तुम चरिता से चोर का मोहब्बत बाद में आया है तो अंदर जाकर उसे बना लो। वो साथ जाता है तो ले जाओ, वो बात नहीं सुनता, नहीं सुनता। क्षमा तुम देने आई है। चुबीता, औरत का दिल इतना बड़ा है कि वो दुनिया का हर दुख बांट सकती है, लेकिन इतना छोटा भी है कि शौहर की मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं कर सकती। लेकिन आज हालात ने हमें एक छत के नीचे जीने पर मजबूर कर दिया है, तो आप ये मिसाल भी कायम करें कि एक शौहर की दो बीवियां एक दूसरे की दुश्मनी नहीं, दोस्त बनकर भी जी सकती है। चुविता, मैं बहुत रोई हूं, मुझे और न रुला। आ मेरे साथ, चलो उठ।